दूसरा पेरेंट्स का कंसर्न रहता है बच्चा दूध पीता है उल्टी कर देता है, क्या कारण है? बच्चा यूजली उल्टी नहीं होता, इसको रेजर्जिटेशन ऑफ मिल्क बोलते हैं। क्या होता है, बच्चा जब दूध पीता है तो हमारे पेट से जुड़ने वाले एक ट्यूब होती है जिसको ईसोफेगस ट्यूब कहते हैं। तो ईसोफेगस ट्यूब वो स्टमक के बीच में रिंग होती है। ये रिंग क्या होती है, सम टाइम जब बच्चा दूध घुटकता है तो क्लोज हो जाती है, तो दूध पेट में ना जाके मुंह में आ जाता है उल्टी के फॉर्म में। तो इससे बचने के लिए करना क्या है, बच्चे को थोड़ा थोड़ा दूध हर दो दो घंटे में पिलाए, क्योंकि तो बच्चे की टमी का साइज बहुत छोटा होता है। दूध पिलाने के बाद उस बच्चे को कंधे पे रखिए, उसको पीठ थपथपाइए, डकार दिलाइए, बर्पिंग जिसको कहते हैं। तो इस प्रॉब्लम से बच्चे को निजात पाया जा सकता है। दूसरा पेरेंट्स का कंसर्न होता है कि ठंड में हीटर चलाना सुरक्षित है या नहीं बच्चे कमरे में। तो अगर हम सुरक्षित वे में हीटर उपयोग करते हैं बच्चे को गर्म रखने के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट क्या करता है, ये हीटर जो होता है, ब्लोअर्स जो होता है, ड्राई एयर देते हैं। तो क्या होता है, रूम का ऑक्सीजन कम हो जाती है, वो जो हवा होती है वो ड्राई होती है, तो उससे बच्चे को स्किन ड्राई होगी, नोज ब्लीडिंग हो सकती है, इवन बच्चे का जो नॉर्मल सिक्रेशन होता है वो भी ड्राई अप हो जाता है, इससे उसको बार बार सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। इससे बचने के लिए सिंपल है, आप रूम में स्टीमर, ह्यूमिडिफायर रख सकते हैं, या फिर नहीं हो तो सिंपल पानी का कटोरा सुरक्षित डिस्टेंस पे रख दीजिए हीटर से, वो भी नमी मेंटेन रख सकता है। और आजकल मार्केट्स में हैलोजन ऑयल वाले हीटर्स भी आ गए हैं, उनसे भी ये सारे इश्यूज नहीं होते हैं।